चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार जारी है। हर प्रत्याशी अपना किस्मत आजमाने के लिए हर रोज नामांकन कर रहे हैं और ये नज़ारा मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड के परिसर की है, जहां कई पंचायतों की प्रतिनिधि अपना नामांकन करवाने के लिए आए हैं और यहां पर देख सकते हैं किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। जोर शोर से भीड़ भाड़ है, ना ही तो कहीं आपको किसी भी चेहरे में मास्क दिखेगी और ना ही सोशल डिस्टेंस का कोई पालन। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ फूल मलाई की दुकानें, जो कि देख सकते हैं दुकानें लगी हुई है किस प्रकार से और लोग भी जयकारे लगा रहे हैं। हालांकि यह चौथी चरण है और चलिए कुछ प्रत्याशी से बातचीत करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो प्राथमिक तौर पर जो भी अपने समाज का जो भी स्कूल है, विद्यालय, उसके बेहतर ढंग से बाउंड्री वगैरह इस सब नहीं, उस पर प्रयास किया जाएगा और जहाँ भी कच्ची गली नली है उस सबको प्रयास दे किया जाए, कम से कम कि इस कीचड़ जो आंगन में एक महीना दो महीना बाद आने वाला है उसको त्वरित कार्रवाई किया जाए। आपके आगे पीछे युवाओं है, इसके लिए क्या? देखिए, देश का भविष्य युवा है, तो कहीं ना कहीं तो युवाओं को तो प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। बाढ़ की समस्या पर कुछ कहेंगे? जी, बाढ़ की समस्या मेरे पंचायत में काफ़ी विकराल रही है और हर वर्ष वहाँ बाढ़ आ ही जाती है। उस पर अगर मैं जीत कर आता हूँ तो गरीब से गरीब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा लाभ। जी, मैं उस पंचायत का वर्तमान उप मुखिया भी रहा हूँ। उप मुखिया किस तरह आप क्षेत्र में काफ़ी सारे मैं काम किया हूँ, हर गली नली जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी वर्ग अभी जो हमारे गरीब भाई बंधु बचे हुए हैं प्राथमिकता के तौर पर उनका प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर और इस सेशन के बाद जो हम लोगों का कार्यकाल आता है उसमें किया जाएगा। आपके पंचायत में कौन सा ऐसा विकास आपको लग रहा है कि सबसे पहले आप विकास कर दीजिए अपने पंचायत? मेरे पंचायत में गली काफ़ी दयनीय है, छोटा छोटा गली जिसमें बरसात के समय में काफ़ी कीचड़ गरीब लोगों को देखना पड़ता है। क्या उद्देश्य था कि आप मुखिया ही कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आप सरपंच या फिर वार्ड के रूप में क्यों नहीं आप नामांकन किए? मैं इससे पूर्व वार्ड सदस्य दो से उप मुखिया वर्तमान निर्विरोध सरपोती में पंचायत कर रहा हूँ और लोगों के बीच में काफ़ी सारा प्यार मिलते आया है, लोगों से राय लिए तो लोगों ने कहा कि पंचायत के विकास के लिए इनसे बेटर प्रत्याशी हो ही नहीं सकता, नामांकन कीजिए। जी, ये हमारे पंचायत में शिक्षा का अभी बहुत अच्छा बेहतर व्यवस्था है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र मेरे पंचायत में अभी तक नहीं सही से सुचारू रूप से है, पूर्णतः कोशिश करूंगा कि स्वास्थ्य केंद्र अगर चुनाव खत्म होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र पर वहाँ जो अभी डॉक्टर वगैरह के नर्स वगैरह नहीं है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने वो जहाँ के जो कर पाए हैं उनसे बात करके वहाँ अस्पताल केंद्र खोला जाए। लाइट की भी कमी है, लाइट भी लगेगा। आज क्या लग रहा है आपके अंदर, कितना उत्साहित है आप? देखिए, परस्पर दो तीन सालों से लगातार मैं समाज में लगातार कार्यरत हूँ, इसलिए अच्छा है कि हम लोगों का आज कार्यकाल पूरा होकर नया एक मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारे पंचायत के जो भी ग्रामीण और हमारे भाई बंधु हैं अगर वो हमारी बात तक पहुंचा रहे हैं तो एक बार हमें मौका दें। इससे पहले भी वर्तमान में उप मुखिया रहकर बहुत सारे काम पंचायत में विकास का किया हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज दिनांक 27/9/2021 को मैं अपना राजीव कुमार का नामांकन करवाने के लिए प्रस्तावक के तौर में पूछा ब्लॉक में आया हूँ। मुखिया पद पे किशनपुर जगदीश पंचायत। आपका क्या उद्देश्य है कि मतलब मुखिया कैंडिडेट क्या बात है? गरीबी को दूर करना है। गरीबी को दूर करना जी, पंचायत में जो कमी है वो पूरा करना है। पिछले बार भी आप खड़े हुए थे जी? हम पिछले बार जनता का क्या लगता है, जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा? कभी भी ऐसी पार्टी में नहीं लड़ी हूँ। क्या करेंगे सबसे पहले आप विकास? सबसे पहले मैं महिलाओं का विकास करूँगी क्योंकि मैं जनसंपर्क के माध्यम से छः महीने से जनसंपर्क कर रही हूँ अपने पंचायत में। उस माध्यम से मैंने देखा कि महिलाओं का विकास बिल्कुल नहीं हुआ, महिलाएं बहुत दुखी है इस पंचायत की क्योंकि उनको अब पढ़ी लिखी एक योग्य और बोलने वाली महिला उम्मीदवार चाहिए ताकि सबों को लेकर चले और महिलाओं का विकास हो। इस बार मेरा महिलाओं पर खास करके फोकस रहेगा कि महिलाओं का विकास हो। मुखिया पद पिछले बार क्या था? मुखिया पद सबसे पहले क्या विकास कीजिए? सबसे पहले विकास अभी सेकंड में लड़े हैं, हारे हुए कैंडिडेट। अच्छा, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है।
में जो अच्छा हमारा व्यवहार रहा, इस व्यवहार से मैं जनता से आशीर्वाद मांगेंगे कि मेरा जो है से अच्छा कार्यकाल को पंचायत से बल्ती रसूलपुर पंचायत पंचायत से जिंदाबाद। क्या करेंगे सबसे पहले पंचायत सबको सेवा करेंगे और क्या करेंगे, क्या सेवा करेंगे, क्या विकास करेंगे, विकास यही करेंगे जो जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। हम कौन से पंचायत से हैं? हमको दक्षिणी हाँ मुखिया के उद्देश्य पे आप मुखिया के लिए? बस ग्राम पंचायत राज मजदूरी के पूरे पब्लिक को सेवा करना चाहता हूँ 24 घंटा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ केदार पासवान, मेरी मिसेज जो मंजू देवी। आप पंचायत में किस चीज का विकास कर रहे हैं? पूरे नल जल योजना का, पूरे गरीबों का जो है पूरा जो शोषण हुआ है उसका पूरा जो है दिन एकदम सुबह 24 घंटा साफ करके पूरा सब कुछ से सुविधा देंगे पूरा पब्लिक को एकदम 24 घंटा सेवा में। मैदापुर से क्या उद्देश्य था जो किया सरपंच के लिए? मैं शुरू से 2001 से चुनाव लड़ रहा हूँ, 2001 में मुखिया का पद संभाले थे और इसके बाद 2006 में भी सरपंच थे और 2016 में भी सरपंच थे, अभी फिर मैं सरपंच के लिए उम्मीदवार हूँ। ग्रामीणों के लिए क्या कहेंगे जनता के बारे में? ग्रामीणों के लिए हर समय मदद करता हूँ, न्याय करता हूँ, तब ना मुझको हमको फिर इस पुनः सीट पर बड़े लोग बिठाने का काम करता है।